हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने अपने लिए न्यू मास्टर कैसे ढूंढा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले आपको इसको देखने की ज़रूरत है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको पता होगा कि डॉग और वोल्फ, यानी जो कुत्ता है और जो वोल्फ है, ये आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, काफ़ी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। आपको शायद ये भी पता होगा कि कैसे सेंचुरीज तक, यानी कि लगभग 100 सालों से ज़्यादा से ही ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि उन्होंने, ह्यूमन बीइंग्स ने किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को टेम किया है, उनको ट्रेन किया है, शिक्षित किया है, डोमेस्टिकेट यानी कि उनको पाला है, उनको पालतू बनाया है। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है कि किस तरीके से डॉग एक टेम एनिमल बना, कैसे एक पालतू जानवर बना। जैसे कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि डॉग पहला एनिमल था जिसको कि ह्यूमंस ने टेम किया था, तो उसी के बारे में ये स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। तो डॉग्स पहले अपने ओन मास्टर्स हुआ करते थे, अपने खुद के मालिक थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, बिल्कुल फ्रीडम में घूमते थे, जैसे कि वोल्व्स घूमा करते हैं। उनको कोई उनका मास्टर नहीं था, कोई उनको टेम करके नहीं रख सकता था, कोई उनको कंट्रोल नहीं करता था। अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, जब तक, अंटिल का मतलब है जब तक, एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, जो इस तरीके के जीवन से बहुत ज़्यादा इल प्लीज्ड था, यानी इल प्लीज्ड का मतलब होता है अनहैप्पी, बिल्कुल भी खुश नहीं था इस तरीके की लाइफ से। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड। तो वो बहुत ही ज़्यादा सिक एंड टायर्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, बोर हो चुका था, क्योंकि उसको अकेले ही जंगल में इधर उधर भटकना पड़ता था खाना पाने के लिए। एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्गर दैन ही, और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, तो उसको डरना पड़ता था उन एनिमल्स से जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ही थॉट इट ओवर, उसने इस बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहेगी, वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ। तो डॉग ने सोचा मेरे लिए सबसे सही काम यही रहेगा कि मैं किसी ऐसे का सर्वेंट बन जाऊँ, ऐसे की सेवा में लग जाऊँ जिससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस अर्थ पर कोई दूसरा ना हो, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल पड़ा ऐसा एक मास्टर ढूंढने के लिए। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वोल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। तो वो चलता रहा और वो एक अपने ही किन्समैन से मिला। किन्समैन का मतलब होता है अपना कोई रिलेटिव, जो अपने ही जैसा हो, जिसका आपसे खून का रिश्ता हो, उससे मिला। तो किन्समैन कौन है डॉग का? एक वोल्फ था, तो वो बहुत ही बड़ा सा वोल्फ था, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ज़्यादा फियर्स था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, डरावना था। Where are you going, dog? The wolf asked. Wolf ने dog से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो dog? I am looking for someone to take up service with. तो dog ने बोला कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, उसको सर्विस दे सकूँ। Would you like to be my master, wolf? तो उसने पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे wolf? I don't see why not. द वोल्फ सेड, वोल्फ ने कहा कि ना करने का तो मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। एंड दिस एग्रीड अपॉन, तो उसने कहा ठीक है मैं मान जाता हूँ, तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब ये दोनों साथ में निकल पड़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, अब वो लगातार चलते रहे। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक से क्या होता है, सडन यानी कि अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, यानी कि अपनी नोज को ऊपर उठाता है, स्निफ्ड यानी कि कुछ सूंघता है, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, यानी कि बहुत तेज़ी से, डार्टेड क्विकली का मतलब होता है पाथ से बहुत तेज़ी से हट जाता है, रास्ते से बहुत जल्दी वो हट जाता है, एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, रास्ते से हट के वो झाड़ियों में घुस जाता है, बुशेस में, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, यानी वो जंगल में धीरे धीरे भागता हुआ चला जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तो
डॉग उससे पूछता है कि क्या हो गया मास्टर, आप अचानक से चले क्यों गए, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, किस चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा डरा दिया, कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, देयर्स अ बियर आउट देयर। तो वोल्फ ने बोला कि वहाँ पर एक भालू है, एक बियर है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को ही खा सकता है, यू एंड मी, तुम्हें भी खा लेगा और मुझे भी खा लेगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वोल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। तो डॉग ने देखा कि बियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वोल्फ से, कि वोल्फ भी डर करके भाग गया, तो डॉग ने डिसाइड किया कि मैं उसको ही सर्विस दूंगा, मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ, एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, तो उसने वोल्फ को वहीं पर छोड़ दिया, एंड आस्क्ड बियर टू बी हिज मास्टर, तो उसने बियर से पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, तो बियर बहुत आसानी से, रेडिली का मतलब होता है बहुत आसानी से, बियर एग्री कर गया, वो उसकी बात मान गया, एंड सेड, और बियर ने बोला लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। तो बियर ने डॉग से बोला कि चलो चलते हैं और ढूंढते हैं हर्ड ऑफ काउज, यानी गाय के झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो उसने बोला गाय के एक झुंड को ढूंढते हैं, आई विल किल अ काउ, मैं एक काऊ को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, और हम दोनों आराम से पेट भर के खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, तो वो चलते रहे और बहुत जल्द वो गाय के झुंड के पास पहुँच जाते हैं। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज़, तो वो बस उसके पास पहुँचने ही वाले होते हैं कि अचानक से बहुत ही भयानक सी, टेरिबल यानी कि बहुत भयानक सी आवाज़ से वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। द काउज वर मूइंग लाउडली, जो काउज थी वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी। मूइंग का मतलब क्या होता है, मूँ जो होता है वो काउ का साउंड होता है, तो काउज जो हैं वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, तो बहुत तेज़ी से पैनिक होकर के, घबरा करके हर डायरेक्शन में इधर उधर भाग रही थी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, तो बेयर ने पेड़ के पीछे से ये पूरा सीन देखा, एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और बेयर ने पेड़ के पीछे छुपकर ये सारा सीन देखा, और वो भी बहुत तेज़ी से, हैस्टिली यानी बहुत तेज़ी से, फॉरेस्ट में डीपर यानी कि बहुत अंदर तक जल्दी से भाग गया। तो ये देखें यहाँ पर काउज मू करते हुए भाग रही हैं, और बेयर और डॉग यहाँ से देख रहे हैं। आगे देखते हैं, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, तो डॉग से बेयर ने बोला कि अरे मैं यहाँ पर आया ही क्यों, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, ये तो लायन का इलाका है, यहाँ पर जो है शासन चलता है लायन का, जंगल के इस हिस्से में। द लायन हु इज़ ही, तो डॉग ने कहा कि लायन कौन है, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, तो बेयर ने बोला कि तुम्हें नहीं पता लायन जो है इस अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, यानी कि सबसे खतरनाक जानवर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, तो डॉग ने बोला कि ठीक है बेयर, फिर मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, तो मुझे एक ऐसे मास्टर की ज़रूरत है जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और डॉग जाता है लायन से पूछता है कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा। द लायन अग्रीड टू इट, लायन उसकी बात को मान जाता है, एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्वड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लायन अग्री कर जाता है उसका मास्टर बनने के लिए, डॉग जो है वो लायन के साथ ही रहने लगता है, एंड सर्वड हिम उसकी सेवा करता है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत सालों तक वो उसकी ही सेवा करता है। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ कट रही थी डॉग की, एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसको शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि लायन से ज़्यादा ताकतवर एनिमल कोई था नहीं पूरे फॉरेस्ट में। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, किसी की भी हिम्मत नहीं थी, कोई डेयर नहीं कर सकता था डॉग को टच भी करने का, और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और कोई भी ऑफेंड नहीं करना चाहता था डॉग को, कोई भी उसको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो लायन के साथ रहता था। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पाथ that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन दोनों साइड बाई साइड चल रहे थे पाथ के, जैसे कि ये पाथ है, तो एक तरफ लायन चल रहा था और एक तरफ डॉग चल रहा था। अलॉन्ग द पाथ
दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ्स, जहाँ पर एमिड बेयर क्लिफ्स थे, क्लिफ्स का मतलब होता है चट्टाने, तो वो दोनों चट्टानों के बीच बीच में चल रहे थे, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन अचानक से लायन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ही गेव अ ग्रेट रोर, बहुत तेज़ी से वो गरजता है, रोर करता है, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ, ग्राउंड पर बहुत तेज़ी से अपने पॉ को मारता है, स्ट्रक करता है, एंग्रीली गुस्से में आके वो मारता है, विद सच अ फोर्स, इतने ज़्यादा फोर्स से मारता है, दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, कि उस जगह पर एक होल बन जाता है, देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर धीरे धीरे अपने पैर पीछे हटाने लगता है. वॉट इज़ इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज. तो डॉग बहुत हैरान हो जाता है उसकी ये हरकत देख कर कि अचानक से उसने रोर किया, अपना पॉ पटका और फिर वो पीछे जाने लगा. तो डॉग ने उससे पूछा कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है, इज़ एनीथिंग रॉन्ग. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड. लायन ने बोला कि मुझे अभी भी स्मेल आई है, ऐसी स्मेल आई है कि कोई आदमी इस तरफ आ रहा है. वीड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से बहुत जल्दी भागना चाहिए, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे, ट्रबल में फंस जाएंगे. ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. तो डॉग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो लायन मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे तो एक ऐसे मास्टर को सर्व करना है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस पूरी अर्थ पर. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और डॉग चला जाता है मैन को ज्वाइन करने के लिए. एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और मैन के साथ ही डॉग स्टे करने लगता है और उसको बहुत ही फेथफुली, बहुत ही लॉयल्टी के साथ, बहुत वफादारी से उसको सर्व करता है, उसकी सेवा करता है. दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये जो पूरा किस्सा है ये बहुत साल पहले हुआ, बट टू दिस डे, मतलब आज भी, द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो डॉग्स होते हैं वो इंसान के सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट होते हैं, उनकी सेवा करते हैं पूरी वफादारी से. एंड नोज नो अदर मास्टर, और डॉग्स किसी और को अपना मास्टर नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैन को ही अपना मास्टर मानते हैं. तो ये हो गई स्टोरी, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. आई होप आपको समझ में आ गई हो कि बहुत ही आसान सी स्टोरी थी और बहुत ही मज़ेदार थी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग विद द टेक्स्ट, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे. तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.